Hello, good morning. Today we are starting with the bonding in coordination compounds. Bonding in coordination compounds. Three theories are given. First was given by Werner, Werner's theory. Second is valence bond theory, and third one is crystal field theory. Today, first of all, we will start with the Werner's theory. Coordination compounds कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं? This was told by first of all Werner. He said every metal has two kinds of valences, primary and secondary. Primary valency is known as oxidation number and secondary valency is known as coordination number. Primary valency is satisfied by, it is satisfied by only negatively charged species like chloride, bromide and so on. And coordination number is satisfied by negative as well as neutral species like ammonia, water, which can donate at least one lone pair of electron. In other words, we can say these are the ligands. Every metal has tendency to satisfy. Metal has tendency to satisfy its both the valencies. Right? Now, क्वेश्चन किस तरह से आएगा हमारे एग्जाम में? या तो ऐसा जाएगा कि वर्नर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स बता दो, दीज आर द पोस्टुलेट्स. और अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से आए कि एक कंपाउंड है CrCl3.XNH3, नॉर्मली दिस x इज गिवन इन द एग्जाम बट आई हैव रिटन x, x कैन बी एनी नंबर. तो क्वेश्चन इज, दिस इज द कंपाउंड, वर्नर वाला क्वेश्चन बता रही हूं मैं, कि दिस इज द कंपाउंड इफ वी हैव एडेड एक्सेस ऑफ AgNO3 इन दिस कंपाउंड देन वी गॉट 2 moles ऑफ AgCl. व्हाट डज इट मीन? क्रोमियम इज हैविंग 3 chloride बट आफ्टर एडिंग एक्सेस ऑफ AgNO3 इट इज गिविंग 2 moles ऑफ AgCl एज प्रेसिपिटेट. तो 1 क्लोरीन कहां गया? तो वर्नर के अकॉर्डिंगली जो 1 क्लोरीन है वो इनसाइड द ब्रैकेट है. दो ये ब्रैकेट वाला फंडा उसके टाइम नहीं पता था, बट आज की डेट में वी नो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ब्रैकेट के अंदर एक बार चला जाता है वो लौट के वापस नहीं आता. तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से 2 क्लोरीन होने चाहिए आउटसाइड, 1 क्लोरीन होना चाहिए इनसाइड द ब्रैकेट विथ क्रोमियम. नाउ अगर 1 क्लोरीन अंदर है तो फिर अमोनिया कितने हैं? नॉर्मली क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है. मींस ये 6 लिगेंड्स के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. लिगेंड तो क्या डाइडेंटेट होगा, तो 3 भी हो सकते हैं. फाइनली वी कैन से ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 5 अमोनिया विल बी इनसाइड द ब्रैकेट. सो क्वेश्चन कैसे आएगा? इन दिस कंपाउंड एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड, वी गॉट 2 moles ऑफ AgCl. राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी. मैंने फॉर्मूला ड्रॉ कर दिया. सो अगर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके साथ, इफ इन दिस कंपाउंड, ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट है, इफ इन दिस कंपाउंड आई हैव एडेड एक्सेस ऑफ AgNO3 देन आई गॉट 1 mole ऑफ AgCl. इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट आउटसाइड द ब्रैकेट ओनली 1 क्लोरीन इज देयर आउट ऑफ 3 एंड 2 विल बी इनसाइड द ब्रैकेट विद क्रोमियम. सो क्रोमियम 4 अमोनिया एंड 2 क्लोरीन विल बी इनसाइड द ब्रैकेट. सो जो ये AgCl के प्रेसिपिटेट्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि कितने क्लोरीन इनसाइड द ब्रैकेट है और कितने आउटसाइड द ब्रैकेट. नाउ अकॉर्डिंग टू वर्नर्स इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगी? ही सेड जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले आज की डेट में हमें पता है दे आर इनसाइड द ब्रैकेट, कहते उनको सॉलिड लाइन से आप शो करो. सो 5 अमोनिया हम यहां शो कर देंगे और 1 क्लोरीन हियर. वैसे आप कहीं भी कर सकते हैं. जो ये वाले 2 क्लोरीन है ही सेड इनको डॉटेड लाइन से दिखा दो, कहीं पर भी दिखा
दिखा दूं, उसको ये प्रॉब्लम नहीं था कि शेप कैसी होनी चाहिए, वर्नर को कोई ऐसा आइडिया नहीं था, तो क्लोरीन कहीं पर भी आप शो कर सकते हो, हमने कर दिया। अब जो क्लोरीन इनसाइड द ब्रैकेट है वो वैलेंसी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको दोनों लाइंस मिलेगी। मींस अमोनिया तो केवल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, बट जो क्लोरीन है वो इनसाइड द ब्रैकेट भी है और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पार्टिसिपेट करेगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन सॉलिड लाइन एंड डॉटेड लाइन बोथ टू दिस क्लोरीन। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्नर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी क्रोमियम। These six species I am going to write down by the, I am going to show it by the solid lines, right? Four ammonia, two chloride inside the bracket. Now one chlorine is outside the bracket, show it like this. Well, these two must be shown by the dotted lines also, because both of these chlorine are also participating in calculating the oxidation number of this chromium. So, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे या पोस्टुलेट आएगा। आई एम श्योर ये क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लूं। वेल, नेक्स्ट थ्योरी इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम डायरेक्टली कंपाउंड पे आते हैं, उसी से हमारे पोस्टुलेट्स क्लियर हो जाएंगे। सी, I'm going to write down two coordination entities. One is FeF6, another is FeCN6 and 3 negative. Okay, according to valence bond theory, अगर किसी के भी structure आपके exam में आ जाए तो आपने क्या करना है, central metal atom का सबसे पहले atomic number लिखिए, configuration, then find out what is the oxidation number of this iron, x minus 6 equal to minus 3. In my previous lecture or previous video, I have told you about how to calculate the oxidation number of metal. आप वहां से देख सकते हैं. So, इसका जो x है, it will come out to be 3. So, in this compound, iron shows 3 plus oxidation state. It means 2 electron ye wale aur 1, it should be out. So 3d5 configuration. Now you have to draw the orbitals. आपको orbitals दिखाने हैं। ये 3d5, 5 means 5 electrons are filled. 4s वाला empty दिखा दो, p वाला भी empty दिखा दो, और एक d वाला भी दिखाना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कितने दिखाने हैं, बस इतने ही। 4s, 4b, 4d आपको show करना है। Well, now फ्लोराइड कितने हैं, 6 फ्लोराइड हैव टू कम। ये 6 क्लोरीन आएंगे, बोलेंगे भाई हमें चेयर्स दे दो, तो ये आयरन बोलते हैं ये पड़े हैं, जितने खाली डब्बे पड़े हैं उठा लिए, जितने उठाने हैं। बोलता हम लोग 6 इन नंबर है, तो काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6। ओके, कहता मुझे 6 चेयर्स चाहिए बैठने के लिए। ओके, सो बिफोर कमिंग ये क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा, sp3d2, अपनी 6 ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन करेगा। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि मेरे सारे बॉन्ड सेम एनर्जी के बने, इसलिए इसने हाइब्रिडाइजेशन कर दी। अब क्या करेगा, आके बैठेगा कैसे, x हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया कि x इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज बीइंग डोनेटेड बाय और कोऑर्डिनेटेड बाय लिगेंड। कौन लिगेंड है यहाँ पे, ऑफ कोर्स फ्लोरीन इज द लिगेंड, तो 6 फ्लोरीन आए चुपचाप बैठ गए। अब हमें और क्या बताना है इसमें, और ये बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। अगर तो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, तो दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। व्हाई, बिकॉज़ इट हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, कितना है मैग्नेटिक मोमेंट, द फॉर्मूला वाज अंडर रूट n(n+2) वाज द फॉर्मूला। Here in this compound, it has shown 5 unpaired electrons. So mu will be 5 × 5+2. It will be √35. So this is about its magnetic behavior. आपको इसमें क्या क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, बॉक्सेस बना के दिखाने हैं, ये सब जैसे मैंने लिखा है वैसे का वैसे आपको लिख के दिखाना है। Well, you know, whenever sp3d2 hybridization is there, the shape will be octahedral. कैसे, जैसे हमने अभी बनाई थी, लाइक दिस, दिस इज व्हाट वी कॉल ऑक्टाहेड्रल शेप। ये फ्लोरीन विल ऑक्यूपाई दिस पोजीशंस एंड यू विल गेट 3 नेगेटिव, तो ये यहां शो कर दो, इधर शोन बाय द फुल ब्रैकेट और बाय द सिंबॉलिक।
ओके, अब आ जाओ इस वाले कंपाउंड पे. सिमिलरली 3D6 4S2 Fe3 पॉजिटिव. इसमें जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है. सो इसके डॉट्स दिखा दो. इट इज हैविंग 3D5 ऑर्बिटल्स दिखाने हैं. 1, 2, 3, 4, 5 हो गए. 4S दिखा दो. 4P एंड 4D यू हैव टू शो. मैंने अभी बताया था ना, D तक दिखा दो. दिखा दो 4S, 4P एंड 4D. वेल 5 इलेक्ट्रॉन्स आता है लाइक दिस. ये एम्प्टी बर्ड है. अब साइनाइड में आना है. साइनाइड आते ही लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. आते ही पेरेंट को पुश करेगा, चलो आगे हो जाओ, पेयर अप करा लो. वो अपने बॉक्स खुद खाली करा ले. इस बेचारे ने क्या किया था, फ्लोरीन आया, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, चुपचाप बेचारा जो खाली जगह पड़ी होती है वहां पे आके बैठ जाता है. बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये आके पहले पेयरिंग करेगा, इसको पुश करेगा, पुश करके ये देखो इनको पुश करेगा, ये पांचों सिमट जाएंगे तो 2D ऑर्बिटल्स खाली करा लेगा ये. अब ये काउंट करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसको यूज ही नहीं करेगा, एज सच पड़ा रहने दो इसको. तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है D2SP3. ये लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का जो डोनेट करेगा साइनाइड. इट इज पैरामैग्नेटिक. ये भी पैरामैग्नेटिक है. क्यों? क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर इससे कम होता है. Why so? Because it is having only one unpaired electron and it is having 5 unpaired electrons. So its magnetic moment will be root 1 into 1, 1 into 1 plus 2 means root 3. Okay? Paramagnetic. Now what is the difference between sp3d2 and d2sp3? No doubt the structure will be same. Both of these are showing the octahedral shape, but the difference is that this compound is known as outer orbital complex, right? Outer orbital complex because it is using bahar wala d orbital. Outer means nd. N why n? Because n is the outermost shell number. और ये कौन सा use कर रहा है? अंदर वाला d orbital means n-1d orbital. तो इसे हम कहते हैं inner orbital complex. Outer orbital complexes are those which are using nd orbital for their hybridization. Inner orbital complexes are using n-1d orbital for the hybridization. This is the difference between these two. Now I am going to tell you about the postulates. Postulates kya hai? According to valence bond theory, the central metal atom is shown in its common oxidation state, jo us compound mein hai, not common, jo us compound mein hai, wahi oxidation state. Then if the ligand is very strong, it will pair up the electron and before making coordinate bond, it will do the hybridization according to the number of orbitals required. जितने उनको चाहिए होते हैं उस हिसाब से करेगा. If the ligand is strong, it will pair up the electron. और if any orbital, any compound is using outer orbital for their making complex, then it is known as outer orbital complex. If any compound या complex is using inner orbital means n-1d orbital for the hybridization, it is known as inner orbital complex. If it is having unpaired electron, it will show the paramagnetic behavior. If no unpaired electron is there, it will show the diamagnetic behavior. These are the postulates. Teen baatein aur add kar do. If the hybridization is sp3d2, it is octahedral in shape. If it shows sp3 hybridization, it will be tetrahedral in shape. If it shows the sp2 hybridization, it will be square planar complex. Right? ये दो बातें और ऐड कर लो. जो मैंने बताया है वो सारा का सारा इसके पॉस्टुलेट्स बन जाएंगे. ओके, अब मैं आपको तीन कंपाउंड्स और बताती हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. वेल, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन पेयरिंग करेगा और कौन पेयरिंग नहीं करेगा? आई एम टेलिंग यू कि साइनाइड, ऑक्सलेट और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीन लोग पेयरिंग करते हैं. साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सलेट, ये तीन अगर लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे तो ये करेंगे पेयरिंग, बाकी कोई भी पेयरिंग नहीं करेगा. यस, वन एक्सेप्शन इज देयर, अमोनिया
normally pairing नहीं करता है, but अगर ये कोबाल्ट के साथ होगा, CONH3 whole 6 वाला कंपाउंड होगा, तो इस कोबाल्ट के साथ ये पेयरिंग शो करेगा, यानी कि इसमें ये बनाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज अमोनिया सबके साथ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। वेल नेक्स्ट है आपका, मैं आपको तीन कंपाउंड्स और बताऊंगी, उससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आई हैव टेकन थ्री कॉम्प्लेक्सेस, टेट्रा साइनिडो निकलेट 2, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। यस, इन दीज टू कॉम्प्लेक्सेस निकल इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन द लास्ट वन इट इज प्रेजेंट इन द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। निकल 28 3d8 4s2 एंड निकल 2 पॉजिटिव इट इज 3d8। यू हैव टू शो इट बाय द बॉक्सेस। Look, I have shown 4s और 4p बना दो, d नहीं बनाने हैं, why so? Because they are 4 in number, ये 4 है तो हमें d नहीं दिखाना है, s और p दिखाने हैं। Well, cyanide, as usual, boss है, pairing कराएगा, इसको बोलेगा चल आगे हो जा, push कर दिया, लो जी d orbital इसने vacant करा लिया, एक s और p के यूज करेगा तो why? Because cyanides are 4 in number, so the type of hybridization will be dsp2 and the shape will be square planar and s is the lone pair of electron donated by cyanide and it is paramagnetic. No, all the electrons are pair, it will be diamagnetic, it is diamagnetic and its type is magnetic moment is 0. Well, tetracyanonitrate, once again, 28, and here also nickel is present in 2+ oxidation state, 3d8, show the boxes, 3d, show 8 electrons, 4s, and this is 4p. Well, chlorine, bichara, weak ligand hai, pairing nahi karayega, isko push नहीं कर सकता, चुप जा पाएगा और जो ऑर्बिटल खाली पड़े उसमें आराम से बैठ जाएगा, बट बिफोर सिटिंग व्हाट विल इट डू, इट विल हाइब्रिडाइज दीज, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज हियर sp3, एक s और 3p ऑर्बिटल यूज करेगा, सो शेप विल बी टेट्राहेड्रल एंड इट इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। And what's the magnetic moment? Root 8. इसको सॉल्व कर लेना. Bohr magnetron is its unit. Okay? So it is paramagnetic. अब चलते हैं last में. In the last case, actually nickel is having 0 oxidation state. 0 means as such we have to show 3d8, 4s2. Make the boxes. Right? And 4s you have to show and 4p. Right? Ab carbon monoxide वैसे तो strong ligand है but s के बाद p use करने थे. अब carbonyl कहते हैं भाई देखो बिना s के hybridization तो होगी नहीं, please दोनों electron आगे चले जाओ, तो वो आगे चले जाते हैं, तो ये pairing करा लेता है electron की. इसे हम under compulsion भी कह सकते हैं. अंडर कंपल्शन क्यों बोला, क्योंकि एस के बिना हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं, तो एस को तो खाली होना पड़ेगा, तो हियर द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, शेप इज टेट्राहेड्रल एंड इट इज डायमैग्नेटिक। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिस एंड दिस बोथ आर डायमैग्नेटिक, but what is this? One is square planar and another is tetrahedral. Show the boxes. Means आपको ये डब्बे बना के दिखाने हैं. Okay. अगला question है. Both of these are tetrahedral in shape,
but what is this? One is para and what is diamagnetic? Again आपको boxes दिखाने हैं. तो इस तरह से इन पे question आए हैं. Valence bond theory के basis पर कोई भी question आए, आपको boxes बनाने हैं और साथ में hybridization लिखनी है, nothing else. Para, dia, किसी भी चीज पे question आए आपको ये बनाकर दिखाने हैं. अब आपको ऐसा compound बनाती हूँ जिसने इस theory को fail कर दिया. वो compound क्या है? See. Tetraamine copper 2 is the complex. Copper has 29, 3D10, 4S1. In this complex, copper is present in 2 plus oxidation state, so it shows 3D9 configuration. Make the boxes. Look, 9 electrons are shown. 4s and 4p are kept empty. चार अमोनिया ने आना है. अब यहाँ पे साइनाइड का फादर भी आ जाए तो वो पेयरिंग नहीं करा सकता. Why so? Because पेयरिंग कराने के लिए ना तो जगह है ना कोई और इलेक्ट्रॉन है. अंडरस्टूड है, कोई भी आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3. बट जब एक्सरे एनालिसिस किया गया तो पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स जो है ये टेट्राहेड्रल नहीं है, स्क्वायर प्लेनर है. तो फिर साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ना बॉन्ड बनाने से जस्ट पहले ना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है. व्हाई? नो एक्सप्लेनेशन वाज देयर, सो इट शोज dsp2 हाइब्रिडाइजेशन. अब बताओ इसमें कोई तुक बनता है? कोई तुक नहीं बनता. ये स्क्वायर प्लेनर है, क्यों है? और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती. अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए इसने बोल दिया कि बिफोर मेकिंग बॉन्ड वन इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम 3d टू 4p, बट व्हाई एंड हाउ? Nothing was told by this Valence bond theory. So, अगर ये question सचमुच आ जाता है कि square planar है and show करो तो आपको ऐसे boxes बना के show करना है. Whenever square planar is there, the type of hybridization will definitely be dsp2 hybridization. So, this is all about the Valence bond theory. यहाँ हमने inner orbital, outer orbital complex पढ़ा और oxidation state, boxes. And shape, ये सब कुछ हमने पढ़ा और ये तीन अल्टीमेट एग्जाम्पल्स वी हैव स्टडीड और लास्ट वाला जिसने इसको फेल कर दिया. अब इसके बाद थोड़ा सा आइडिया लगाओ. आपने देखा है ना जो पेयरिंग करते हैं उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कम होता है, जो पेयरिंग नहीं करता उसका मैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा होता है. तो कभी कभी हम इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल और मैग्नेटिक बिहेवियर को हम कोरिलेट कर देते हैं, बट हमेशा ये ट्रू नहीं होता. हमारी तीसरी थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. मैं फिर से कहूंगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा से देख लो, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है पहली बात, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, नो मैं नहीं मानती. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सेज कि मेटल इज कंसीडर्ड एज पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड लीड इज कंसीडर्ड एज पॉइंट नेगेटिव चार्ज एंड द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दीज टू इज आयोनिक बॉन्ड एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. लो जी, यहीं पे दोनों की लड़ाई हो गई. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सेज कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अल्टीमेटली कोवेलेंट बॉन्ड है, बट ये थ्योरी कहती है नहीं 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 आयोनिक बॉन्ड है दोनों के बीच में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पहली बात. दूसरी बात, हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में समझाने की कोशिश की जा रही है. दिस थ्योरी सेज कि दीज आर द डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ फ्री मेटल आयन. जब वो अकेला होता है अभी लीगेंड उसके पास नहीं आए हैं, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी शो करो. ये थ्योरी कहती है कि जब लीगेंड्स मेटल के पास आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? आपको उस बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं आ रहे हैं, इन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. ओके, अब कहते हैं लीगेंड और नजदीक आए. जैसे ही लीगेंड और नजदीक आते हैं डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी कि पांच डी ऑर्बिटल के दो टुकड़े हो जाते हैं, टू अपर लेवल पे चले जाते हैं और थ्री लोअर लेवल पे चले जाते हैं. इन्हें कहते हैं T2G और इन्हें कहते हैं EG.
and this is barycenter point कहते हैं इसको. And the difference between these two, T2G and EG, is known as delta O. What is delta O? Crystal field stabilization energy in octahedral field. Now the question is, कि तीन नीचे क्यों और दो ऊपर क्यों? आखिर इन दोनों में difference क्या था? See, d orbitals are 5 in number. एक का नाम है vxy, d yz, d zx. These three are such that the electron cloud is in between the axis. देखो electron cloud ऐसे है. ये axis है ना? Axis के ऊपर नहीं है, axis के बीच में है. This is the x square minus y square. देखो इसमें जो electron है वो along the axis है, उसमें in between the axis है. One is dz square. ये दोनों ये हैं. Because ये along the axis थे, ligand की entry का style along the axis होता है. इन दोनों को repulsion ज़्यादा experience होती है, इन तीनों को repulsion थोड़ी सी कम experience होती है. तो ये नीचे चले जाते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं. और इसमें जो energy है हर electron की, that is -0.4 and here +0.6. इसका मतलब क्या है? Suppose यहाँ पे two electrons हैं, तो इन दोनों की energy हो जाएगी -0.8. और तीन है तो -1.2. इस तरीके से हम इनके एनर्जी को दिखाएंगे. वेल, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे होंगे उतना ही कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा. पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिखा दें, यही आपको बना के दिखाना है. अब दूसरी तरह का क्वेश्चन आता है कि मान लो किसी की कॉन्फिगरेशन d4 है, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो तीन तो यहाँ चले गए, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? क्या ये नीचे रहेगा या ऊपर आएगा? इसके बारे में CFP कहती है, if delta O is more than P, what is P? P is the pairing energy which is required. मान लो फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इसको कहता है मैं बैठ जाऊं, ठीक है, क्या बोलता है, चलो एनर्जी ले लिया पहले. फिर वो जाके पूछता है डेल्टा ओ से तुम कितने हो, जो एनर्जी इसको चाहिए क्या तुम ज्यादा हो उससे? मतलब हाँ हूँ मैं, तो कहते हैं यहाँ बैठ जाते हैं. मीन्स वेन एवर डेल्टा ओ इज मोर देन पी, देन पेयरिंग विल हैपन और कॉन्फिगरेशन हो जाएगी T2G4 और EG रह जाएगा एम्प्टी. वेल, इफ डेल्टा ओ इज लेस देन पी, मानो यहाँ बैठने के लिए एनर्जी चाहिए 4 यूनिट्स और निकलती है 3 यूनिट, तो इलेक्ट्रॉन को बोलेगा चल ऊपर चला जा, नीचे नहीं बैठने का तू. So pairing will not happen and the configuration will be T2G3 EG1. So अब तुम सोच रहे हो कि मैंने D4 से स्टार्ट क्यों किया, D3 में क्यों नहीं बोला? अरे D3 में तो नीचे ही आएंगे इलेक्ट्रॉन. ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन का के टाइम में तो ये प्रॉब्लम आती है कि मैं ऊपर जाऊं कि नीचे बैठूं, ये प्रॉब्लम तभी तो आएगी. तो ये सिलसिला D4 से लेके D7 तक चलता रहता है. मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा, यानी कि नीचे बैठेगा, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो इसे हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, इसे हम बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होता है ये मोर स्टेबल होता है, और ये वाला कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होता है. वंस अगेन, हमें कैसे पता चलेगा कब लो स्पिन बनेगा कब हाई स्पिन बनेगा? अरे वही तो है, साइनाइड, ऑक्सलेट और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीन जने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बाकी सब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. और डेल्टा ओ की वैल्यू के बेसिस पर एक सीरीज बनाई गई है. मींस एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, जैसे यहाँ पे सारे हेलोजन आते हैं, उनका डेल्टा ओ कम होता है, फिर अमोनिया, वाटर और लास्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड और यही कहीं साइनाइड आता है. इस सीरीज को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ओके, एक क्वेश्चन है कि निकल हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है? यू नो निकल की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? मैंने क्या बोला था, लो स्पिन हाई स्पिन का पंगा कहां से कहां तक है? D4 से D7 तक. जैसे D8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो ऊपर ही जाएगा, वो तो ये कह ही नहीं सकता मैं नीचे जाऊं कि ऊपर जाऊं, बिकॉज़ उसके लिए जगह ही ऊपर है. सो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा.
बिकॉज इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D8 होती है, तो इसने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना दिया। सो दिस इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको रिवाइंड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला। इसमें रिवाइज कराने पर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। वेल, यहाँ पे आपको बताती हूँ कि एक तो ऑक्टाहेड्रल है हमारे सिलेबस में, एक ना टेट्राहेड्रल है, स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कैसे दिखाएंगे, आई एम टेलिंग यू, आपने याद तो ये वाला करना है, ये अंडरस्टूड हो जाएगा। इसमें भी ऐसा ही बनता है बट डिफरेंस यहां पे आ जाएगा लाइक दिस। ऊपर 3 आएंगे आपकी बार, नीचे 2 आएंगे, इससे उल्टा हो जाएगा। इसे हम कहेंगे ई, इसे कहेंगे T2, जी गायब हो जाता है, इसे ई कहते हैं, उसे T2। यहां पे -0.6 होगा, यहां +0.4, ये बड़ी सेंटर होगा और इसे हम कहेंगे डेल्टा टी, वहां पे ओ था एंड दिस इज टी बिकॉज टी स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल। एंड ऑल्सो डेल्टा टी इक्वल टू 5/9 डेल्टा ओ, मीन्स उससे लगभग हाफ होता है, ठीक है। 5/10 होता तो कंप्लीट हाफ हो जाता, नियर अबाउट ये हाफ होता है डेल्टा ओ का। और ये इनकी वैल्यूज बता देती हूँ मैं, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट रह गया। अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन में T2G3EG1 है, ठीक है, यानी कि पेयरिंग नहीं हो रही है, ये हाई स्पिन माना जाएगा। और अगर D4 में पेयरिंग हो जाती है तो इसे हम कहते हैं लो स्पिन। हमें कैसे पता कि लो स्पिन ज़्यादा स्टेबल है, जब सारे इलेक्ट्रॉन T2 में जाएंगे तो एनर्जी हो जाएगी 4 × −0.4 −1.6 इस वाले केस में, ओके। इस वाले केस में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स की 3 × −0.4 −1.2 हुई, एक जो ऊपर गया है इसकी +0.6 है, तो नेट कितना आएगा, नेट आएगा −0.6। अब भी खुद ही देख लो, D4 जो T2G है उसकी एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज हुई है और उसकी एनर्जी कम डिक्रीज हुई है। लेट मी टेल यू, सिस्टम की जितनी कम एनर्जी होती है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैंने इस वीडियो में आपको 3 थियोरीज के बारे में बताया, और जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया। दोनों देखो, यहाँ तक करो, NCERT की बैक एक्सरसाइज करो, और अगले लेक्चर के लिए हम लोग कल मिलते हैं। ओके।